इंदौर ने पिछले 5 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 का ताज पहने रखा है। आज इंदौर शहर में तैयार हुए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट और स्वच्छता के नवाचारों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ट्रचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 7,500 किलो बायो सीएनजी तैयार करने वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का आज शुभारंभ हो रहा है। इसका आज पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। इस प्लांट के माध्यम से 1 साल में 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। आज पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आज हम आपको ये बता रहे हैं। बायो सीएनजी प्लांट का आज वर्चुअली पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। देखिए, इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी का प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कल कर कमलों से होगा। ये दुनिया को संदेश है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने इस दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर इस तरह के प्लांट का निर्माण किया है। सही मायने में ये दुनिया के इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट तो है ही, पर ये दुनिया की बहुत बड़ी एक्टिविटी है। जिस प्रकार से आज पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के लिए पूरी दुनिया में हर देश प्रयास में लगा हुआ है। ये इंदौर से एक बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बायो सीएनजी प्लांट का आज लोकार्पण होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे, तो उसके बाद फिर वो स्वच्छता उद्यमियों से संवाद भी करेंगे। तो वहीं इसी कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कोविड की वजह से वो वर्चुअली ही इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे, वर्चुअली ही इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इंदौर को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का आज लोकार्पण होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 स्थान पर अभी तक बना हुआ है, और ये बायो सीएनजी प्लांट उस मंजिल की ओर एक और बड़ा कदम साबित होगा। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज वर्चुअली जुड़ेंगे और इस पूरे बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। उसके बाद स्वच्छता उद्यमियों से संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये एक बड़ी सौगात इंदौर को मिलने वाली है, एक अच्छी खबर इंदौर के लिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की ये इंदौर के लिए है, जहां बायो सीएनजी प्लांट का, वो भी एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का आज लोकार्पण होने वाला है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस प्लांट का लोकार्पण वर्चुअली करेंगे, और वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का, इस बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करने के बाद स्वच्छता उद्यमियों से बातचीत भी करेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे, वर्चुअली ही वो उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ खास होगा इस बायो सीएनजी प्लांट में और क्या कुछ इसमें होने वाला है, कैसी क्या तैयारियां हो रही हैं, इसको लेकर भी वो स्वच्छता उद्यमियों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे, अपना दिशा निर्देश देंगे। देश का पहला 550 मीट्रिक टन क्षमता वाला ये प्लांट होगा। आज इंदौर के लिए एक खुशी का पल है, इंदौर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी इस प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, साथ ही सीएम शिवराज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही
इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि वो अभी कोविड पॉजिटिव है, इसीलिए वो वर्चुअली ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्लांट का लोकार्पण करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वच्छता उद्यमियों से संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होगा। यूं तो पिछले 5 सालों से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 स्थान पर काबिज है, और ये बायो सीएनजी प्लांट उस मंजिल को पाने के लिए एक बड़ा रास्ता बनकर सामने आएगा। आज बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी वर्चुअली ही शामिल होंगे। ये देश का पहला 500 मीट्रिक टन वाला बायो सीएनजी प्लांट होगा। हमारे संवाददाता एहतियात शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी एहतियात, क्या कुछ अभी वहां पर तैयारियां हो रही हैं लोकार्पण को लेकर? देखिए, जहां तक इस बायो सीएनजी प्लांट की बात कही जाती है, तो निश्चित रूप से ये पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जो कि इंदौर के देवगाड़िया पर बनाया गया है, जो कि पहले एक प्रेस्टिंग ग्राउंड हुआ करता था। तकरीबन 200 करोड़ की लागत से ये प्लांट बनाया गया है और 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। सीएनजी प्लांट की खासियत ये है कि सीएनजी प्लांट के जरिए अभी जो कचरा है, तकरीबन 550 टन कचरा रोज प्रोसेस किया जाएगा, उसके जरिए सीएनजी प्लांट सीएनजी गैस बनाई जाएगी। और ये सीएनजी गैस तकरीबन 400 सीएनजी बसेस जो कि इंदौर शहर के अंदर बतौर सिटी बस ऑपरेट होती है, उनमें यूज किया जाएगा। तो कचरे से किस तरीके से धन कमाया जा सकता है और कचरे का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और संकल्प ये रहा था कि भारत स्वच्छ भारत रहे। स्वच्छ भारत के मिशन के अंदर इंदौर ने 5 बार स्वच्छता का ये कहा जाए पंच लगाया है, और साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए किस तरीके से कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, उस कचरे को कैसे कमर्शियल यूटिलाइजेशन में किया जा सकता है, उसकी बहुत बड़ी नजीर है। अब से कुछ ही देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होकर यहाँ इंदौर के देवगोराड़िया के इस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट जो होता है उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि प्रधानमंत्री का सपना और संकल्प दोनों ही साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आज का दिन काफी खास होने वाला है इंदौर के लिए और इंदौर वासियों के लिए भी। जहां एक तरफ पिछले पांच साल से इंदौर स्वच्छता में देखा जाए तो नंबर 1 पर है, तो वहीं अब ये बायो सीएनजी प्लांट भी उस मंजिल को पाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये सबसे बड़ा, ये कहा जाए कि दिस इज एन एग्जाम्पल बीन सेट फॉर ऑल द नेशन, देश के दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे शहरों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इंदौर ने। और इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए शायद वो दिन दूर नहीं जब भारत के हर शहर के अंदर इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे और कचरे का जो बेसिक यूटिलाइजेशन होता है वेस्ट करने की बजाय उस वेस्ट से किस तरीके से कमर्शियल फायदा निकाला जा सकता है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है अपूर्वा कि सबसे ज्यादा जो कचरा जो वेस्ट हो जाता था, सीएनजी बनाने के बाद में भी कुछ कचरा वेस्ट होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज रहती है, लेकिन इस प्लांट पर इस तरह का एक प्लांट और लगाया गया है जिसमें उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के बाद में वो जो कचरा जिससे सीएनजी निकल चुकी है उससे खाद भी बनाई जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय के अंदर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ भारत की तस्वीर दिखाता है। जी, और देखा जाए तो कचरे का किस तरह से आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कचरा भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, ये बायो सीएनजी प्लांट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बिल्कुल अपूर्वा, ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसने की वो दिशा बना दी है, एक ऐसा तरीका है जिसने एक दिशा तय कर दी है
कि आने वाला रोड मैप एक क्लीन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया का जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब साफ नजर आती है। और मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था, उनका सपना था कि भारत स्वच्छ हो, भारत का पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो, तो वो कहीं ना कहीं वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। जिस सपने को साकार होते हुए अब हम देखेंगे जब लोकार्पण इस बायो सीएनजी प्लांट का किया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम के अंदर वर्चुअली अवेलेबल रहेंगे। अभी स्टेज पर जो मैं देख सकता हूँ कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सामने मौजूद है, मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ सामने मौजूद है, कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी है। ये कहा जाता है कि अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री इस मेगा स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे तो दैट विल बी द पॉइंट जो कि एक इतिहास रचता हुआ पॉइंट कहा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया एहतियाब तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।